बड़ी खबर, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिजल्ट। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। हमारी एमएनएस न्यूज लाइव की टीम आ पहुंची है नवेगावान, चाय की चौपाल की टीम नाउ नवेगावान आई हुई है। इस ये नवेगावान जो गांव है ये राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो लोगों की उपजीविका चलती है वो इसी पे चलती है। तो यहाँ पे गोंदिया और भंडारा लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार है उनका चुनावी माहौल यहाँ पे किस तरह का है, उसकी प्रतिक्रिया है हम यहाँ के कुछ लोगों से मिल लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मतदाता है इस एरिया के, तो हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या सोच है लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं तो पिछले पंचवर्षीय में भी ऐसा अच्छा ही हुआ था, अभी भी जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और जब भी मोदी ने जो भी काम किए है वो सही ढंग से किए हैं, ना तो किसी का नुकसान किया उन्होंने और सही हिसाब से उन्होंने बराबर चल रहा है। तो आप अपने उम्मीदवार को किस तरह से देखते हैं, यानी उम्मीदवार जो है वो किस तरह का होना चाहिए? उम्मीदवार ऐसी होना चाहिए कि जहाँ पे सब लोगों के काम होना चाहिए और जितने भी काम है उतने सही ढंग से होना चाहिए। तो 11 तारीख को आप वोटिंग करेंगे तो किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार। थैंक यू सो मच। अभी 11 तारीख को वोटिंग करेंगे? हाँ जी, 11 तारीख को वोटिंग करेंगे। तो उम्मीदवार को किस तरह देखते हैं? उम्मीदवार शिक्षित होना चाहिए और लोगों के बारे में सोचना चाहिए उसको। तो अभी जो सरकार थी इसने ऐसा कोई काम अच्छा नहीं किया, तो हम चाहते हैं देश में बदलाव आए। तो आप कौन सी सरकार चाहते हैं? हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार। राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार चाहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है जो सरकार 60 साल में कुछ नहीं कर पाई वो आगे कुछ कर पाएगी? वो जरूर कर पाएगी, लेकिन अभी 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी आज तक आप बता सकते हैं कि मोदी जी ने कहां पे उसका शिलान्यास किया है? तो बहुत सारी योजनाएं शुरू की, कौशल भारत की योजना शुरू की, फिर घर कुल योजना दी, किसानों को मुआवजे दिए और बहुत सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद कहीं पे भी नहीं दिया जी मुआवजा, तो कहीं पे भी नहीं दिया। अभी बता दो, अभी 6000 रुपए का एक चुटकुला पेश किया, किसी को 2000 मिले, उसकी तो राशि आई है नहीं, किसी के पास में मतदाता है उन्होंने मुझे दिया नहीं, हमारे पास अभी तक पासबुक दिखाई है और उन्होंने बताया कि मेरे खाते में जमा हुए। अभी हमारे खाते में कोई पैसा नहीं है, हमने भी वो फॉर्म भरा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो 60 सालों में ये सारी चीजें जब नहीं हुई और पाँच सालों में ये चीजें हो रही है, तो जब 60 साल हमने इन्हें मौका दिया तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 साल इन्हें मौका देना चाहिए? जी ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 साल तो अभी चलेगा तो फिर लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अभी बेरोजगार और किसानों को बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ी है। तो कांग्रेस के राज में आपको ऐसा लगता है बहुत सारे रोजगार थे? हाँ, कांग्रेस के राज में बहुत हाँ रोजगार थे, काफी रोजगार थे। लोग जीएसटी भी नहीं लगा था, अभी छोटे छोटे जो व्यापार थे सब बंद कर दिए थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जीएसटी जब लगा, जीएसटी में हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई गरीब इंसान को जीएसटी से कोई फर्क नहीं है। जीएसटी से फर्क किसको पड़ा? जीएसटी से फर्क सामने वालों को पड़ा था। किसको? मतलब व्यापारी जो लोग हैं, हाँ, जिन्होंने जितना भी मतलब कुछ भरे भी नहीं थे उनको फर्क पड़ा है। हमारे को गरीब लोगों को कुछ भी फर्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा। गरीब लोगों को जीएसटी चेंज और नोटबंदी से कोई असर नहीं गिरा, बड़े बिचौलियों दलालों को असर गिरा है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीच का पैसा खा लेते थे, जो लटकाना भटकाना उनके सरकार में चलता था, लटकाना भटकाना ये मोदी सरकार के 5 साल में बिल्कुल 101% बराबर किया। कोई गलत नहीं किया, अभी 5 साल 55 में और 5 साल में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। जी जी जी, बहुत डिफरेंस है। तो धीरे धीरे करेगा, 5 साल के अंदर में बहुत कुछ किया, कर रहा है 5 साल कुछ भी नहीं हुए। सरकार किसकी सरकार? 30 साल के बाद में बहुत मसले है, फिर से बहुमत से फिर से अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी आने को होना, वो जो किसानों का है, जो गरीबी का है, जीएसटी का है, सबका है, जो शत प्रतिशत सॉल्व नहीं हुआ है वो अभी पूरा होगा ना, पूरा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है 2024 तक गरीब को सबको घर मिलेगा, ये सही कर कि ये करेंगे वो, हाँ करेंगे आगे भी। यही हमारी इच्छा है कि एक बार मोदी जी आने को ना, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो जो गरीबी का उद्देश्य है वो धीरे 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 तो आगे करके खत्म हो। सरकार की क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं। 5 साल में इतनी तरक्की हो गई, बहुत हो गई। मोदी जी को चोट मारेंगे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा।
बस वही सरकार ही होना खाली बीजेपी की बोला। 11 के हमले के समय वो सोए थे क्या? 26/11 का हमला अभी स्ट्राइक बराबर किया, बराबर किया उसने, गलत नहीं किया। आरएसएस कहां से आ गया था, इनको नहीं मालूम था। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है पुलवामा में जो हमला हुआ उस मुद्दे को लेकर राजनीति के कारण होना चाहिए? ये राजनीति कारण बनेगा कांग्रेस के लिए, सभी दलों के लिए। पॉलिटिक्स मैटर नहीं, बट वो पॉलिटिक्स मैटर नहीं, पॉलिटिक्स मैटर है मैम ये। नहीं, ये इतना आरडीएक्स में कहां से आया है? ये हमारी सरकार थोड़ी थी कि इतना आरडीएक्स और हमारे के जवानों के ब्लड प्रूफ हो जाए कि नहीं दिया जाए। कांग्रेस की सरकार में तो जूते भी नहीं थे, तो इन लोगों ने बहुत सारे करोड़ रुपए जो अपना गंगा का उसको सफाई करने के लिए लगाया था। आपको ऐसा नहीं लगा कि गंगा की सफाई के बाद वहाँ पे इनकम सोर्स बढ़ गया? तो क्या इतना पैसा इस साल जो कुंभ मेला हुआ, इस साल के कुंभ मेला में जितने भी लोग आए थे सबके मुँह से हम कुंभ की वाहवाही देख सुन रहे हैं, और आप मुझे ऐसे पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने तो सफाई तो इतना नहीं हो पाया, इतना अपना पैसा वहाँ खर्च किया, लोगों को अपने आर्मी वालों को ब्लूट प्रूफ जैकेट सुविधा करा देते थे, तो कांग्रेस की सरकार में नहीं था, कांग्रेस की सरकार में जूते भी नहीं थे, सब कुछ था उनके पास। हमारी सरकार राफेल के बारे में सोच रही है और आप बुलेट प्रूफ जैकेट। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे ना स्टेटमेंट में, हमने राफेल पे अभी वो सामने मीडिया के सामने नहीं आया दिया ना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया अभी नहीं आया दिया स्टेटमेंट, तो अभी मीडिया के सामने मीडिया ने कहीं नहीं दिया। आपका कहना ये है कि पुलवामा हमले को भाजपा के खिलाफ किया जा रहा है? हाँ, भाजपा के खिलाफ यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी तब जो हमले हुए उसको वो लोग नजरअंदाज करके पुलवामा पे अटैक, हाँ पुलवामा पे अटैक किया, 101% सही है। तो कांग्रेस जातिवाद की राजनीति की होती थी कांग्रेस ने जी, जातिवाद की राजनीति कांग्रेस ने की और भ्रष्टाचारी सरकार हुई थी जी, भ्रष्टाचार सरकार थी वही, अभी तक उन्होंने तक लटकाना भटकाने का काम की कांग्रेस ने। बार यूनियन में आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार होना, मोदी। हमने यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया जानी है, हम लोगों में हर्षोल्लास है इस चीज का कि मोदी की सरकार फिर से आएगी। इनका कहना यह है 60 साल में जो सरकार नहीं कर पाई वो शायद अगले 5 साल में मोदी सरकार करे, इसी आश्वासन के साथ ये लोग वोट करने वाले हैं 11 तारीख को। आने वाले लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? लोकसभा चुनाव को उम्मीदवार कैसा चाहिए आपको? दो उम्मीदवार खड़े हैं, दो उम्मीदवारों में से कैसा उम्मीदवार चाहिए? लड़कों बेकारी बढ़ गई है जी, वो बेकार लोग बढ़ गए लड़के, उनकी बेकारी कम होने को ना, बेकारी कम होने को ना, उसके अलावा यानी आपको ऐसी सरकार चाहिए जो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे। हाँ। तो किसकी सरकार? यदि मोदी ने ऐसी उन्नति किया तो ऐसी सरकार चाहिए कि जैसे अभी आ रही है, चल रही है, ऐसी सरकार आने को होना, तो अगले 5 साल मोदी के आने को होना। मोदी ने जो किया है बहुत कुछ अच्छा किया और सबके लिए अच्छा करेगा, अभी आएगा भी तो अच्छा करने वाला, कोई सरकार दूसरी सरकार कर नहीं सकती, करने वाली है ही नहीं। जो भी सरकार है वो मोदी सरकार रहेगी और आगे चल के भी मोदी सरकार रहेगी, मोदी सरकार में दम है, बाकी में दम नहीं है। मिसाइल तैयार कर दिया, आज तक 4 नंबर अपना देश पीछे में था, 4 नंबर पे आ गया जी। धन्यवाद। गवर्नमेंट के लिए क्या नहीं कर रहा है जी, अपना देश सबसे आगे है। क्या कह रहे थे? विदेश नीति में भी अपना देश अभी मजबूत है और जो अपना देश का जो आर्थिक व्यवहार जो 11 नंबर पे था वो मोदी ने अभी 6 नंबर पे लाके रखा है जी, और नहीं 6 नंबर पे, और जो अंतरिक्ष के बारे में जो है उसमें भी अपना भी देश 4 नंबर पे आया है जी जी जी। तो ये सब मोदी की करामत है, मोदी की उपलब्धि है जी 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 जी। बस चारों तरफ मोदी है मैडम, चारों तरफ मोदी है, तो मोदी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। आज अंतरिक्ष में मोदी मोदी, अंतरिक्ष में चौकीदार, आज 9:30 बजे का न्यूज है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है 4 साल के अंदर जी, मोदी के 5 साल के कार्यकाल। और विपक्ष वाले जो बोल रहे हैं कि इनको भगाया उनको भगाया, लेकिन जितने भी देश छोड़ के जो पैसा लेके भागे हैं इन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा कांग्रेस की सरकार में लिया है, कांग्रेस की सरकार में लिया हुआ कर्जा
इनका जो गठबंधन हुआ है मैडम, ये देश को बचाने के लिए नहीं हुआ है, ये खुद को बचाने के लिए हुआ है। खुद को बचाने के लिए नीरव मोदी जो है, सब लोग बोल रहे हैं अदर पार्टी वाले, क्या वही नहीं नीरव मोदी जो है मतलब नरेंद्र मोदी का भाई है, उसने भगा के लेके गया और जो भी अभी इलेक्शन में पैसा मतलब लूटने वाला है वो नीरव मोदी पैसा इधर लाएगा, इधर लाएगा। ये लेकिन झूठ बात है ये सभी जी। और ये गलत बात है और जो भी आएगा सरकार मोदी की आएगी और हमारे को होना तो मोदी सरकार। तो एक साथ सबकी क्या राय है आपकी बात? शेतकऱ्यांच्या बँकेमध्ये पैसे कुठे जमा झाले? शेतकऱ्यांच्या बँकेमध्ये पैसे जमा नाही झाले? तुमच्याकडे नाही झाले? तुम्ही कास्तकार आहे तर का बरं नाही झाले? काही विचारलं तुम्ही कोणाला? नाही विचारलं। नाही, माझ्याकडे स्टेटमेंट आहेत, माझ्याकडे कास्तकारांचे स्टेटमेंट आहे, ज्यांनी मला शेतकऱ्याचा कुठं कर्ज भेटलं? नाही, जे मला कर्ज सूट कुठं झाला? कर्ज सूट चांगली गोष्ट आहे का? कुठं झाला? तुम्ही जर मला परत नाही केला गॅसचा किती आहे आणि ऑनलाईन झालेला आहे आपण असं नाही वाटत आमची सबसिडी कटत आहे? हो सबसिडी आपली कटत आहे, पण आपल्याला असं नाही वाटत की आपल्याकडची स्त्रीचा जो दर्जा आहे तो वाढला असं नाही वाटत। कसं वाटलं? कसं नाही वाटलं? म्हणजे जेव्हा आपण गरीबाचे पैसे जाऊन राहिले ना सर, कसं असते माहितीये का? गरीबाचे पैसे जाऊन राहिले नाही, जो तू जाडत नाही ना त्याला त्या डोळ्यांची किंमत नसते। नाही नाही, ते बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, खरं आहे, पण आज लोकांना एक लिटर मातीचं तेल नाही भेटू शकत ना? का नाही? का नाही? तर काय आहे तुमची डिमांड सांगा। माझी डिमांड अशी आहे की कंपल्सरी एक लिटर दोन लिटर पाहिजे, कंपल्सरी द्यायला पाहिजे। बरं बरं बरं, आणखी आज बंद झालं कंपल्सरी एक लिटर गरीबांना माडीचं तेल मिळालं पाहिजे। कशी नाही? तुम्ही मला कर्ज कशासाठी दिलं? माझ्या डेव्हलपमेंट साठी, बरोबर आहे? मी त्या कर्जाचा उपयोग जर माझ्या डेव्हलपमेंट साठी नाही केला, माझ्या शेतीच्या विकासासाठी नाही केला, आज बऱ्याचशा लोकांना असं सवय की कर्ज घेतात दुसऱ्या मार्गाने पैसा खर्च करतात आणि त्याची जेव्हा परतफेड करता येत नाही ते कारण समोर ठेवतात। लोक बऱ्याचशा सौका करतात, त्याचा असर फॅमिलीवरती जेव्हा होते फॅमिलीचा जो त्यांच्यावर दबाव येतो त्याच्यामुळे ते आत्महत्येसारखा पर्याय निवडतात। हा सरकारचा दोष नाही, कोणत्या सरकारचा दोष नाही। थँक्यू सो मच सर। नरेंद्र मोदी 5 साल और हमको होना, क्योंकि वो जो बदलाएगा ना वो दुनिया के कोई नहीं कर सकते, वही कर सकते। जी जी जी, मैं नरेंद्र तांडेकर बोल रहा हूँ, नरेंद्र भाई का, मोदी का भाई। धन्यवाद सर। मी का म्हणतो सर्वच पक्षाचे जे आहे लोक ते आंबेडकरांच्या नाव घेऊन प्रचार का करतात? का करून राहिले? पण संविधान संहिता देत आहे ना, त्यांच्या हिशोबाने चालतो आहे। तर ठीक पहिले का संविधानाचा जो नियम आहे त्याने जे लिहिलेले आहे त्यानुसारच चालून राहावा संविधान। हा चालणारही आहे, पण त्यांच्या नाव विकासाच्या नावानं जो आहे विकासाच्या नावाला जो आहे तो विकास आपण करून राहतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाही करून राहतो, आपला जो विकास आहे त्या नावाने उद्देश म्हणजे जो जे आहे म्हणजे कोणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवायला नाही पाहिजे असं मला वाटतं। आता तुमच्या मते कुठली सरकार यायला पाहिजे? नाही, मी आता सांगण्यासाठी सरकार नाही। आता बघा, तुम्ही तुम्ही युवा वर्ग असल्यामुळे म्हणून मी हा क्वेश्चन विचारते, 11 तारखेला तुम्ही वोट करणार, तर तुमचं काही एक असेल ना ध्येय की आपण काय विचार करायला पाहिजे, एक उमेदवार कसा असायला पाहिजे? जो आपला जो आहे उमेदवार तो आपल्याला कुठल्याही पक्षाबद्दल मी पक्षाबद्दल नाही बोलत मॅडम, मी उमेदवारची गोष्ट करतो, कोणत्याही पक्षाबद्दल बोलत नाही, फक्त जो आहे आपला जो उमेदवार आहे तो चांगला गोंदिया जिल्हा भंडारा जिल्हा ह्या जो आहे आमच्या जो आहे क्षेत्र त्यानुसार सुरळीत पाहिजे, बेरोजगारांना रोजगार पाहिजे आणि व्यवस्थित रित्या त्यांनी जो उमेदवार ह्या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करेल त्यांनाच आम्ही वोटिंग करतो। बरं, कोण जिल्हा तुम्हाला ड्युटीची गरज आहे? मला एक सांगा, कोणाची नोकरी करणं चांगलं आहे की स्वतःचा धंदा असणं चांगला आहे? दोन्ही ठीक आहे,
थोडस म्हणजे समजण्यात काहीतरी चूक होत आहे, पण असं नाही ती योजना जी असते पूर्ण राष्ट्रभर चालते आणि ती सगळ्यांसाठी असते. त्याची जी आजच्या काँग्रेस सरकारनं ज्या योजना होत्या, सोनिया गांधी म्हणजे बोतल वही शराब नहीं, शराब नहीं है. लेकिन उसके पहले जितने भी योजना नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर में वो कांग्रेस सरकार ने इश्यू नहीं किया, दबा के रखी. कांग्रेस सरकार ने इसलिए नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित की है. ये क्यों है? क्योंकि जब स्वामीनाथन जो आयोग था 10 साल तक यूपीए सरकार में गिरा रहा, लेकिन उसके ऊपर कोई आधारभूत मूल्य और उसमें कोई बढ़ोतरी वो सरकार ने की नहीं. जी, वो स्वामीनाथन आयोग मोदी सरकार आने के बाद लागू हुआ और आज किसानों को 500 रुपए बोनस और धान के ऊपर भी 250 रुपए ज्यादा रेट मिल रहा है. यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल. उठ किस करवट बैठेगा, इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा. तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव. एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले. तब तक के लिए धन्यवाद.